मंत्री को दी काले झंडे दिखाने की तैयारी, पुलिस ने युवक कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं को पकड़ा। आगर जाते समय मोहन बड़ोदिया में दिखाने वाले थे मंत्री को झंडे, पुलिस थाने में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में आगर जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी में खड़े युवक कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। थाने में पुलिस कार्यवाही के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। खेल युवक एवं कल्याण मंत्री व आगर जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज जिला बैठक एवं अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार के द्वारा आगर जा रही थी। इसी बीच शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया बस स्टैंड पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस बात की जानकारी मोहन बड़ोदिया पुलिस को लगी। पुलिस मंत्री के आने के पूर्व ही युवक कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले आई, जिसके चलते कार्यकर्ता मंत्री को काले झंडे नहीं दिखा पाए। पुलिस थाने में पकड़े गए युवक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बताया कि शुजालपुर में मासूम बालिका की हत्या, नीमच में आदिवासी की हत्या और विगत दिनों आगर के बाबा बैजनाथ की शाही सवारी प्रशासन द्वारा नहीं निकालने के विरोध में प्रभारी मंत्री को काले झंडे दिखाने वाले थे और इस बात की जानकारी मंत्री को लगने पर हमें पुलिस के माध्यम से रोका गया। आज तो हमें रोक लिया गया है, लेकिन फिर मंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। पुलिस ने अवधेश अम्बावतिया युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष, सुस्नेर ईश्वर गोस्वामी ब्लॉक अध्यक्ष युवक कांग्रेस, दुर्गा प्रसाद जामलिया किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, रामेश चंद्र मांगलिया, गोविंद राधे लखन कुलमिया, विनोद पटेल को पकड़ा है। ये सभी मोहन बड़ोदिया थाने में। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सातों कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।